काम अरे तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम जा रहे हैं लखनऊ, और हम क्यों जा रहे हैं पहले मैं आपको ये बता दूं। हम जा रहे हैं लखनऊ, जो कि आरिस का ट्रायल है लखनऊ में। उसने परसों जो है वो बरेली में ट्रायल दिया था। बेसिकली अंडर 14 की जो है वो स्टेट लेवल की टीम बनने जा रही है, तो जिसमें बरेली से आरिस का सिलेक्शन हो गया है, तो अब उसको लखनऊ जाना है, जिसके साथ मैं भी जा रहा हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है लखनऊ जाने का, मैं इससे पहले कभी लखनऊ नहीं गया, तो देखते हैं वहाँ कैसा रहता है। काफ़ी सुना है मैंने लखनऊ के बारे में। तो ये अंडर 14 की टीम बनने जा रही है स्टेट लेवल, उसी का ही ट्रायल है, और आरिस के साथ उसके और भी दोस्त जा रहे हैं। शायद उन लड़कों को आप जानते हो, अगर आपने मेरा पहले वाला ब्लॉग देखा हो, जो हमने फाइनल में मैच खेला था क्वार्टर फाइनल, उसमें विशाल और असद खेले थे, वो दोनों भी जा रहे हैं और भी उनके साथ काफ़ी लड़के जा रहे हैं। तो अगर आप क्रिकेट का शौक रखते हैं और आप जानना चाहते हैं कि अंडर 14 के जो है वो ट्रायल कैसे होते हैं, तो इस वीडियो को बस देखते रहिए, बाकी चीज़ें आपको क्लियर हो ही जाएंगी। तो चलिए चलते हैं। इसकी वजह से लेट हुए हम लोग, इसकी वजह से निकले हैं नहीं अभी, स्टोरी अभी पहले डल जाएंगी। तू भी डाल रहा है स्टोरी इंस्टाग्राम पे। कितनी स्लो चल रही है ट्रेन विशाल? -172 किलोमीटर प्रति घंटे के अनुसार से, और बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है, हर जगह रुक रही है ट्रेन। हाँ, इसका क्रॉस मालगाड़ी से हो रहा है, वो भी एक्सप्रेस रुक जा रही है, मालगाड़ी का वेट कर रही है। सो गाइस, आलम नगर आ चुके हैं और ट्रेन यहाँ रुक गई है, लगभग 15 मिनट हो चुके हैं ट्रेन रुकी हुई, और काफी स्लो चल रही है ट्रेन। टाइम लगा दिया इसने आने में। थोड़ी सी लेट हो गई है, अब हम सीधे जाएंगे। सबसे पहले हम रूम देखेंगे कि हमें रूम कहाँ लेना चाहिए, ताकि हम पहले सुबह जल्दी से ग्राउंड में पहुँच पाएँ और ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट ना हो मॉर्निंग में। ओके, सो फाइनली हम आ गए हैं रूम पे। ये रूम हमने ले लिया है रेंट पे 24 घंटे के लिए, और ये रूम हमें मिला है 1200 रुपये का। मुझे लगता है कि थोड़ा सा महंगा जरूर है, लेकिन मेरी हो रही थी तबीयत ख़राब, इसीलिए हमने ये रूम बहुत जल्दी में ले लिया। फिलहाल जो भी है ले लिया, अच्छा है, ठीक है। हम स्टेशन से जस्ट एक रूट पार करने के बाद स्टेशन ही है, तो यहाँ से हम जहाँ हमें जाना है वो बहुत नज़दीक भी है, तो हमारे लिए बेटर है। अब पहली बार इतने गंदे कैमरे से मैं अपनी वीडियो शूट कर रहा हूँ, वो भी यूट्यूब के लिए, तो कई बारी लाइफ है, कुछ भी हो सकता है, तो कई बारी आपको बेकार कैमरों के साथ भी शूट करना पड़ता है। फिलहाल यहाँ विशाल जो है वो जूते पहन रहा है, और आरिस इज एंड असद इज हियर। सो हम अभी निकल रहे हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि हमने कुछ खाया नहीं है जब से हम यहाँ पर आए, और ट्रेन ने हमें काफ़ी ज़्यादा परेशान किया, बार बार रुक रही थी, जहाँ नहीं रुकना चाहिए था वहाँ भी 45 मिनट दे रही थी। वो रेलगाड़ी नहीं बैलगाड़ी थी, तो हम कह सकते हैं कि वो रेलगाड़ी नहीं वो बैलगाड़ी थी। फिलहाल अभी हम निकल रहे हैं अपने कमरे से नीचे और पहुंचते हैं मार्केट में, और यहाँ का मार्केट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एक पाव भैया 30 रुपए का है। एक पाव 30 का, यानी 120 रुपए किलो। हाँ,
ओके गाइस, तो सुबह के अभी बजे हैं 6। सो अगर आप ये सोचकर रोड के किनारे कोई ऐसा रूम लेते हैं कि आप बाहर का व्यू देख सकते हैं, तो भूल के भी मत लेना। पूरी रात चे चे पे पे टों टों, यानी किस किस चीज़ की आवाज़ आई है, पूरी रात सोने नहीं दिया है, पूरी रात नहीं सोने दिया है। और मैं सोच रहा था 12 बजे के बाद ट्रैफिक बंद हो जाएगा, 1 बजे के बाद बंद हो जाएगा, लेकिन पूरी रात बंद ही नहीं हुआ है। तो हम बिल्कुल ही चारबाग मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल बराबर में ही है हमारा रूम, और रेलवे स्टेशन भी यहाँ पास में ही है। अगर आप लखनऊ आए होंगे तो आपको पता होगा, बहुत ज़्यादा हमने दिक्कतों का सामना किया है। हमारी आंखें देखो आप, हमारी आंखें देख के आपको पता लग रहा होगा। तो हमें नींद तो आई नहीं है ढंग से, और मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। फ़िलहाल अभी फ्रेश होके नहा धो के हमें निकलना है BBD, जहाँ इन लड़कों का ट्रायल है। और एक सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे रात सोते वक्त पता लगी कि विशाल के बड़े भाई की आज शादी है, लेकिन वो फिर भी ट्रायल देने आया है। तो ये इसे कहते हैं शिद्दत। तो जब आपके पास ऐसा पैशन और ऐसा जुनून होता है तो कामयाबी आपके पास आनी ही होती है। तो मैं, ये मेरी पर्सनली विश है इन लड़कों को, मतलब थोड़ी कामयाबी मिले इन फ्यूचर। आज भी ट्रायल देने आए हैं, इसमें भी कामयाबी मिले और ये ऐसे ही अच्छा करते रहें और आगे अपने, मतलब अपने कैरियर को आगे लेके जाएं क्रिकेट की लाइन में। तो लड़के लोग हो रहे हैं तैयार, हो चुके हैं, मतलब तैयार हो गए। अब बैग वैग उठाना है, हम सीधे निकलते हैं अब यहाँ के BBD के लिए। अब देखते हैं मेट्रो से सुटेबल है हमारे लिए, ऑटो से जिससे भी सुटेबिलिटी होगी उसी से चलेंगे। चलो चलो The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. बरेली क्षेत्र से आए हैं, जहाँ से हम लोग आए वहीं से ये लोग भी आए हैं। ये उसी होटल में ठहरे हुए थे जहाँ पर हम ठहरे थे, तो चलो उधर चलना है। तो यूनिवर्सिटी ये बहुत बड़ी है, जहाँ जहाँ तक मेरी नज़रें जा रही हैं वहाँ वहाँ तक मुझे सिर्फ यूनिवर्सिटी ही दिखाई दे रही है। सो गाइस, फाइनली हम आ चुके हैं स्टेडियम के अंदर जहां इन बच्चों के ट्रायल होने, और सेलेक्टर लोग जो हैं वो अभी नहीं आए हैं। 8:30 का टाइम दिया था, बच्चे तो 8:30 पे पहुंच गए लेकिन सेलेक्टर अभी नहीं आए। हाय दक्ष, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये दक्ष हैं, ये लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। मैं इनको एक बारी देख चुका हूँ जब हम SRMS में खेले थे, हमारा फाइनल जो हुआ था उसमें खेले थे, तो इनका काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। और असद को पहले ही गेंद पे आउट किया था इन्होंने, और 0 पे आउट किया था। तो यही है दक्ष, ये सब एक ही सर्कल के हैं। थैंक यू दक्ष, थैंक यू। ओके गाइस, तो फाइनली इन लोगों को इनका चेस्ट नंबर मिल चुका है। मेरा है दक्ष से स्टार्ट करते हैं। दक्ष का 240, आरिश का 241, 253 एंड 252। सो अभी ये लोग रेडी हैं अपने चेस्ट नंबर के साथ,
बाकी के लोग। ओके गाइस, तो ये सारे लड़के रेडी हैं अपने चेस्ट नंबर के साथ और इन्होंने अपने बैक पे और फ्रंट पे जो है वो अपने चेस्ट नंबर लगा रखे हैं। सो मैं इनसे यही बोलना चाहूँगा कि आपको कैसा लग रहा है? अच्छा, कैसा लग रहा है? अच्छा, एक्साइटेड हो? यस सर। सो कुछ लड़के तो इसमें ऐसे हैं जिनका ये पहला ही ट्रायल है, तो मैं मेरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। सो आर यू गाइस रेडी? रेडी। सो गाइस फाइनली ट्रायल स्टार्ट हो चुका है। ग्राउंड के अंदर तो अलाउ है लेकिन जहाँ ट्रायल हो रहा है वहाँ पर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, इसीलिए मैं एक साइड पर खड़े होकर वीडियो शूट कर रहा हूँ। और सेलेक्टर आ चुके हैं और लोग अपना अपना परफॉर्म दे रहे हैं। लेट्स सी किसका होता है और किसका नहीं। काफ़ी बच्चे आए हैं यहाँ पर और कुछ अभी तक आ रहे हैं। सो कुछ बच्चे वार्म अप करते हुए। तो ये है एक सुकून की जगह। बच्चों के ट्रायल चल रहे हैं वहाँ पर, सेलेक्टर लोग किसी को बाहर कर रहे हैं और किसी का नाम एंट्री मतलब लिख रहे हैं कॉपी में। और अभी आरिश का नंबर आया नहीं है और मेरे साथ जो भी लड़के आए हैं उनका किसी का भी नंबर नहीं आया है। जब उनका नंबर आएगा तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखा दूँगा। फ़िलहाल भीड़ काफ़ी है और ये हेडफोन मैंने इसलिए पहन रखे हैं ताकि मैं आसपास के जो मेरे लोग हैं वो मुझे ये ना समझें कि मैं आपस में क्या बात कर रहा हूँ, मतलब पागल तो नहीं हूँ। देख सकते हो इसकी पिन कहीं लगी भी नहीं है। सो लगभग एक घंटा हो चुका है और अभी तक जिन बच्चों को मैं लेके आया हूँ, मैं जिनके साथ आया हूँ, उनमें से किसी का नंबर नहीं आया है। और देखते हैं अभी और कितना टाइम लगता है। फ़िलहाल ट्रायल जारी है, बच्चे भी काफ़ी हैं, तो पता नहीं बरेली वालों को सबसे लास्ट में भेजेंगे नहीं क्या। बरेली से लगभग जो हमारे ज़िले से जो आए हैं वो लगभग 20 प्लस लोग होंगे, तो देखते हैं बरेली वालों का नंबर कब आता है। और लगभग दोपहर के 2 बज रहे हैं और अभी भी ट्रायल जारी है। और आरिस का पहला राउंड हो गया है, असद का भी हो गया है और विशाल का भी हो गया है। सब ने अच्छा परफॉर्म दिया है अब तक और अब देखते हैं सेकंड राउंड में क्या होता है। काफ़ी अच्छी बॉल पड़ी। आपको बता रहा था ऐसा एक नंबर बॉल। ये मैं कुछ खाने के लिए लाया हूँ तेरे लिए, खा लेते। ओके गाइस, तो ट्रायल इज़ ओवर नाउ एंड सबको अब बुलाया जा रहा है, सिलेक्टर लोग बुला रहे हैं। अरे मर गई।
ऑल राइट गाइस, तो अभी जो ट्रायल लखनऊ में था वो ओवर हो चुका है, ख़त्म हो चुका है और लगभग 3 बज रहे हैं। सो अभी जितने भी मेरे साथ लड़के आए थे सबने अपना अच्छा बेस्ट दिया, सबने अच्छा परफॉर्म किया। अभी जो लिस्ट आएगी कानपुर के लिए वो लगभग कल आएगी और वो एसोसिएशन को सीधे भेजी जाएगी, तो देखते हैं उसमें किस किस के नाम आते हैं। वैसे मेरे साथ जो लड़के आए थे उनके चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, तो लेट्स सी नाम आते हैं या नहीं आते हैं। वैसे मैं विश करता हूँ कि सबके नाम आए और काफ़ी अच्छा ट्रायल रहा, उन्होंने रिफ्रेशमेंट दिया जैसे आपने पिछले देखा, अभी मैंने वीडियो दिखाया आपको, तो यहाँ ने खाने पीने का इंतजाम भी अच्छा किया था और काफ़ी अच्छा रहा लखनऊ का पूरा टूर हमारा। सो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम अपने रूम जाएंगे, रूम जाके हम अपना बैग पैक करेंगे, उसके बाद सीधे हम निकल रहे हैं घर। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, बाय। थम्स अप जरूर दें।